नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां रामनवमी, रमजान एवं ईद उल फितर का त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आज माननीय जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय ने पीस कमेटी की बैठक पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी आरका अखौरी की अध्यक्षता में की। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ओमवीर सिंह की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न कराई गई। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी आरका अखौरी ने जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आए थानाध्यक्ष कमेटी के गणमान्य थानों में आयोजित पीस कमेटी के बैठक की फीडबैक की जानकारी क्रमवार सभी से प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी महोदय ने सभी सदस्यों से अपील की कि सभी लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। वहीं माननीय महोदया द्वारा कहा गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं। समस्त पीस कमेटी के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में अंतर्गत शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्वक वातावरण से रामनवमी, रमजान एवं ईद उल फितर त्यौहार मनाए जाने की जानकारी जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक के दौरान दी गई। सभी सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस जनपद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने में हम सभी लोग अपने स्तर से किसी भी समस्या को आने नहीं देंगे। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि सभी लोग मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को संपन्न करें। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी महोदया द्वारा आरका अखौरी ने उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारी, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, तमाम लोगों को रामनवमी एवं ईद उल फितर एवं रमजान का त्यौहार शांतिपूर्वक सौहार्द वातावरण में मनाए जाने के लिए अपने स्तर से समस्त तैयारियां पूर्ण रखेंगे सभी को निर्देश दिया। कोई भी समस्या किसी भी दशा में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अभियंता, नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित दिया कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। तीनों प्रमुख त्यौहार मनाए जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं? जो वर्तमान में नौ दुर्गे चल रहे हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है, सभी जगह जहाँ देवी मंदिर है और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, सभी जगह पुलिस की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से शाम के समय ऐसे मंदिर जो एकांत में है वहाँ पर पुलिस की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी की घटना को टाला जा सके। उसी तरह से रमजान के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि विभिन्न मस्जिदों में तरावी भी चल रही है, वहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटी रह रही है। आज पीस कमेटी की बैठक मेरे द्वारा जिलाधिकारी द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जिस तरह से गाजीपुर में पूर्व में मिलजुल के दोनों समुदाय ने सभी त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराया है, उसी तरह से आगामी त्यौहारों को भी रामनवमी है, पूरा रमजान का महीना है, उसके बाद ईद का त्यौहार आएगा, सभी पे अपना मिलजुल के एक साथ मनाएं और हंसी खुशी मनाएं, शांति से मनाएं। वहीं इस चैनल के माध्यम से भी आप सभी से अपील है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी पर्व मनाएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।